दोस्तों, आज मैं मिक्स सब्जी बनाने जा रही हूँ। जैसे कि सारी सब्जियां मिक्स करके मैं आज सब्जी बनाऊंगी। दोस्तों, ये अपने शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर बच्चे नहीं खाते होंगे तो भी ये सब्जी या सब मिक्स करके आप बनाओ तो ये बच्चे चाव से ये सब्जी खाएंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं इसमें डालूंगी लीला लहसुन, बैंगन, गाजर और ये भरवा मिर्च, गोभी और ये शकरकंद और ये फरस बीन, फ्लावर और ये मकई, टमाटर और ये इसको लहर बोलते हैं। आप लोगों सबको, गांव वाले होंगे उसको सबको पता ही होगा दोस्तों। और इसमें जैसे कि मैं मूली डाली हूँ, इसमें हरा चना डाली हूँ दोस्तों, और ये सीम का दाना और ये टमाटर रहा दोस्तों। और मैं इसमें सारी थोड़ी थोड़ी अभी सब्जियां काट के रखी हूँ दोस्तों, और मैं सारी सब्जियां अभी मिक्स करूँगी और इसे बनाऊँगी। आपके घर में दोस्तों ये नहीं कि आपके घर में ये सारी सब्जियां हो तो ही मिक्स सब्जी बनेगी। आपके घर में जो भी सब्जियां है दोस्तों, सारी सब्जियां मिक्स करके आप इसे बनाइए, आपको खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार आप ट्राई करो। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारी सब्जियां मैंने जब कट करके रखी हूँ, और ये जो भी दाने वाली सब्जियां है उसको मैं थोड़ा सा इसको बॉईल करके रखी हूँ, और ये टमाटर बारीक बारीक कट की हूँ, और ये मिर्चा और ये लहसुन का आधा मिर्चा का लहसुन का पेस्ट है दोस्तों, और ये मेथी है जिसे मैं दो तीन पानी से अभी धो के रखी हूँ। अब मैं इसको सब्जी बनाने जा रही हूँ। जैसे कि मैं एक कढ़ाई रखी हूँ, उसमें सरसों का तेल डाली हूँ। अगर आप चाहें तो कोई भी तेल डाल सकते हैं दोस्तों, पर मैं सरसों का तेल में बनाती हूँ। सरसों का तेल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब ये मेरा तेल गर्म हो गया दोस्त, अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ लहसुन, आलू, मटर का पेस्ट। आप चाहें तो सूखा लहसुन का भी पेस्ट बना के डाल सकते हो, हरा लहसुन ना हो तो। जैसे कि आधा चमची हल्दी, एक चमची ये लाल कश्मीरी मिर्च, ये धनिया और जीरा का पाउडर है। Thank you.
सब्जी थोड़ी और टमाटर डाल सकते हैं, मेरी सब्जी ज़्यादा है तो मैं इसमें चार पाँच टमाटर डाली कि मैंने बताया ये सारी सब्जियां जो मैंने थोड़ा थोड़ा इसको थोड़ा भाप के और इसे पानी इससे निकाल के अब मैं इसे डाल दूंगी। इसमें तीन चार सब्जियां हैं, मूली टमाटर मूली मकई, ये सारी इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ये सब्जी, इसे बनने के बाद कितना अच्छा लगेगा खाने में। और ये देखिए मैंने जो सारी सब्जियां कट की थी उसे मैं डाल दी। अब इसको मैं बराबर मिक्स करूंगी। अब इसको मैं बराबर मिक्स करके, अब मिक्स हो गया है, अब इसे मैं धीमी आंच के लिए पकने के लिए मैं इसे, देखिए मैंने इसमें अभी लास्ट में धनिया पत्ता डाली है और ये मेरी सब्जी तैयार है। बस अब इसे रोटी सब्जी जिसके साथ आपको अच्छा लगे वो खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये इस सब्जी का रेसिपी अच्छा लगा दोस्तों तो आप इसे लाइक और शेयर करें।